चलो हेलो बच्चों, वी आर इन द अकाउंट टू, दैट इज अ कॉस्टिंग। ओके बच्चों, अकाउंट टू ही इज कॉल्ड अ कॉस्टिंग बच्चों। ओके, एंड वी हैव स्टार्टेड स्टडी द लेबर कॉस्टिंग बच्चों। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों और छोटा चैप्टर है, बट फार्मूला बेस्ड चैप्टर बच्चों। स्टडी वी डिड द इफेक्टिव आवर रेट टू टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन द इफेक्टिव आवर्स, वर्किंग आवर्स बच्चों। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स क्या था बच्चों? टोटल वर्किंग आवर्स माइनस आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब बच्चों अनप्रोडक्टिव टाइम। व्हाट डू मीन बाई अनप्रोडक्टिव टाइम? अनप्रोडक्टिव टाइम मीन्स द वर्कर इज गेटिंग पेमेंट बच्चों, बट दे आर नॉट वर्किंग, लाइक द लंच टाइम, ब्रेक मीन्स टी ब्रेक, दीज आर द कॉल आइडल टाइम बच्चों। दैट इज अनप्रोडक्टिव टाइम, दैट हैव टू डिडक्ट। ओके बच्चों, टुडे वी विल गो फॉर अ एन नंबर ऑफ फार्मूलाज देयर बच्चों। ओके, बहुत सारे फार्मूले हैं दैट यू हैव टू लर्न। ओके, लेट्स बच्चों, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस और इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन एक्स्ट्रा पेमेंट, दैट इज अ बोनस। इंसेंटिव मीन एक्स्ट्रा पेमेंट, बोनस। सो व्हाट इज अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेजेस और इंसेंटिव, दैट इज बोनस। फर्स्ट बच्चों कुछ वर्ड्स आने वाले, द कोड वर्ड फॉर एक्चुअल वर्क आवर वर्क। एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर वर्क मीन्स हाउ मच द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू कम्प्लीट द टास्क। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय द एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क। जॉब कम्प्लीट करने के लिए लेबर को एक्चुअली कितना टाइम लगा था बच्चों? द एक्चुअल टाइम फॉर कम्प्लीटिंग द जॉब बच्चों, और कम्प्लीटिंग द टास्क, कम्प्लीटिंग द वर्क, इंडिकेटेड बाय बच्चों एच। टाइम टेकन बाय वर्कर टू कम्प्लीट द टास्क और जॉब बच्चों, कोई भी जॉब को कम्प्लीट करने के लिए वर्कर ने कितना टाइम लिया बच्चों, दैट इज कॉल एक्चुअल वर्क आवर बच्चों। एक्चुअल वर्क आवर मीन्स द नंबर ऑफ वर्क एक्चुअली टेकन बाय द एम्प्लॉयज द वर्कर टू फिनिश द जॉब बच्चों। जॉब को फिनिश करने के लिए लेबर को कितना टाइम लगा रहेगा बच्चों, दैट इज कॉल एक्चुअल टाइम, दैट इज इंडिकेट शोन बाय एच। देन स्टैंडर्ड आवर बच्चों, द टाइम गिवन बाय द बॉस, उस काम को करने के लिए बच्चों बॉस ने, मैनेजमेंट ने, डिपार्टमेंट ने कितना टाइम दिया था। ऑफकोर्स बच्चों कंपनी बोले ना भाई, हाँ भाई ये वर्क आपको 10 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, और दिस वर्क हैव टू बी कंप्लीट बाय विद इन द वीक। सो हाउ मच द टाइम गिवन बाय द बॉस टू देयर एम्प्लॉयज। द टाइम अलॉटेड और गिवन बाय द डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय टू कम्प्लीट द जॉब बच्चों, क्या दोनों में फ़र्क बच्चों? कितना टाइम बॉस ने दिया है और कितना टाइम एक्चुअली लगा रहेगा बच्चों। सो लेट्स टेक बच्चों, सर्टेन वर्क है उसको कम्प्लीट करने के लिए बॉस हैव गिवन, बॉस अलॉटेड 10 आवर्स बच्चों। एक पर्टिकुलर जॉब है बच्चों, उसको बॉस ने बोला भाई आपको 10 घंटे में कम्प्लीट करना है, तो एज पर द बॉस रिकॉर्ड बच्चों यू हैव टू कम्प्लीट बाय 10 आवर्स। दैट 10 आवर्स इज कॉल्ड बच्चों स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम अलॉटेड बाय द डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट और बॉस। बट बच्चों लेबर ने वो काम वर्क कम्प्लीटेड इन 8 आवर्स बच्चों। लेबर ने वो काम 8 घंटे में पूरा कर दिया बच्चों, ये क्या बोलते हैं बच्चों? एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय ने एक्चुअली कितना टाइम लिया बच्चों? 8 आवर्स। बॉस ने कितना दिया था? 10 आवर्स। बॉस के हिसाब से 10 घंटे होने चाहिए, लेकिन लेबर ने क्या किया? 8 घंटे में फिनिश कर दिया बच्चों। क्या बच्चों? वेदर द लेबर टेकन द मोर टाइम और लेस टाइम बच्चों? बॉस गिवन टू परफॉर्म सर्टेन जॉब 10 आवर्स, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। लेबर एक्चुअली कंप्लीट द जॉब इन 8 आवर्स, दैट इज एक्चुअल टाइम बच्चों। लेबर ज़्यादा टाइम लगा रहा है कि कम टाइम लगा है बच्चों? कम टाइम ना बच्चों, 10 घंटे बॉस ने बोला था और 8 घंटे में फिनिश कर दिया बच्चों। हाउ मच टाइम सेव? टाइम सेव 10 आवर्स माइनस 8 आवर्स, दैट इज 2 आवर्स का सेव है ना बच्चों। सो 10 आवर्स क्या था बच्चों? स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल टाइम कितना लगा था? 8 आवर्स। एस माइनस एच, एस माइनस एच, टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड मतलब ऑफकोर्स टाइम सेव मतलब बच्चों, एम्प्लॉय परफॉर्म मच अर्लियर देन द बॉस एक्सपेक्टेशन,
बॉस ने जितना टाइम दिया था उससे पहले आपने काम कंप्लीट किया बच्चों। ओके, वर्कर कंप्लीटेड द जॉब इन लेस आवर देन द टाइम अलॉटेड। वर्कर कंप्लीटेड जॉब इन लेस आवर बच्चों देन द टाइम अलॉटेड, जितना टाइम उसको अलॉट हुआ था उससे कम टाइम में उसने काम कंप्लीट कर दिया बच्चों, दैट इज कॉल्ड टाइम सेव्ड बच्चों। ओके, कभी ऐसा हो सकता बच्चों बॉस ने बोला था 10 घंटे, देखिए 11 घंटे लग गया बच्चों, 1 घंटे एक्स्ट्रा हो गया बच्चों डिले। तो टाइम सेव एस माइनस एच, एस कितना था बच्चों 10 आवर्स, टाइम कितना एक्चुअली लगा 11 आवर्स, 1 आवर माइनस एडमिट 1 आवर टेकन द डिले बच्चों। ओके बच्चों, सो ये 4 वर्ड है बच्चों पहले, और देन बच्चों रेट पर आवर, 1 घंटे का सैलरी और वेजेस कितना है बच्चों, हम द वेज रेट फॉर द पर आवर बच्चों। तो पहला बच्चों एच क्या है, स्टैंड फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब, दैट इज एक्चुअल आवर्स वर्क। एस स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड आवर, द टाइम अलॉटेड बाय द बॉस। एस माइनस एच इट इज अ टाइम सेव्ड, टाइम सेव मतलब बच्चों कितना टाइम आपने बॉस का बचा लिया है, बॉस ने जो टाइम दिया था आपको काम करने के लिए उससे पहले आपने फिनिश कर दिया बच्चों। तो वर्कर कंप्लीटेड द जॉब इन लेस देन द एक्चुअल टाइम अलॉटेड। ओके बच्चों, एंड द आर क्या है बच्चों, रेट पर आवर, पर आवर का रेट कितना है बच्चों, ओके इन रुपीज। लेट्स बच्चों फार्मूला फॉर द फर्स्ट हल्से प्रीमियम प्लान, हाउ द वेजेस कैलकुलेट होता रहेगा बच्चों, कैसे लेबर का सैलरी कैलकुलेट करते रहेंगे। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स एंड ऑथर था बच्चों जो गिवन है प्लान। पहला बच्चों हल्से प्रीमियम प्लान, क्योंकि बच्चों हर एक कंपनी का सैलरी का सेम नहीं है, हर एक कंपनी में बच्चों वेजेज वर्कर का सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है बच्चों, अगर सेम वर्क है फिर भी सेम नहीं है। अब बच्चों अगर मैं एग्जांपल ले लो, एक पर्टिकुलर पर्सन एसबीआई में वर्क कर रहा है बच्चों, तो उसको सैलरी 18,000 रुपये महीने का। आईसीआईसी बैंक में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी है 22,000। एक्सिस बैंक में काम कर रहा है बच्चों तो 16,000 रुपये। क्यों भाई, आप देखते हो ज़्यादातर बैंक का जो टाइमिंग है नॉर्मली बच्चों ऑन एन एवरेज सेम ही है बच्चों। ओके, 10 से 4 तो 6 घंटे बच्चों, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक वो 6 आवर्स, तो फिर सैलरी क्यों अलग अलग भाई। बिकॉज ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द सैलरी बच्चों, हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों अलग अलग मेथड फॉलो करता है सैलरी के कैलकुलेशन करने के लिए। ओके बच्चों, दैट्स व्हाई सबका सैलरी डिफरेंट है, ऑल दो दे आर वर्किंग द सेम पैटर्न, सब लोग एक ही लेवल का काम कर रहे हैं बट स्टिल दैट दे गेटिंग द डिफरेंट सैलरी बच्चों इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लान होता है बच्चों। ओके, तो लेट टेक द बच्चों पहला हल्से प्रीमियम प्लान। एफ ए हल्से बच्चों एक इंजीनियर था अमेरिका में बच्चों, इज अमेरिकन इंजीनियर बच्चों। तो एफ ए हल्से इज एन अमेरिकन इंजीनियर बच्चों। अकॉर्डिंग टू हिम इंजीनियर था बच्चों, तो ये बोलता बच्चों कि बोनस कितना पे होना चाहिए वर्कर लोगों को, हाउ मच द बोनस टू बी पेड। अकॉर्डिंग टू हिम बोनस इज पेड इक्वल टू 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव। बोनस कब मिलेगा बच्चों, जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कंपनी का टाइम सेव कर रहे हो बच्चों। कंपनी को आप 10 घंटे दे रहे हो बच्चों, कंपनी आपको दिया 10 घंटे काम करने के लिए, अब से बच्चों सैलरी 50 रुपये, तो 10 घंटे का 50 के हिसाब से 500 रुपये पगार है बच्चों। लेकिन वर्कर ने वो काम बच्चों 7 घंटे में ही कर दिया है, तो 50 के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 350 देना पड़ेगा। सर वर्कर पागल है क्या, 10 घंटा काम गए तो बच्चों 500 मिलेगा, और वही काम है 7.5 घंटे में कर तो खाली 350 मिलेगा। आई नो दैट बच्चों, लेकिन बॉस वर्कर ने कंपनी का कितना टाइम बचा दिया बच्चों, 3 घंटे बचा दिया ना, 3 घंटे सेव्ड हुआ बच्चों, तो उसके लिए कितना सेव हुआ रहेगा सैलरी 150 रुपीज़ बच्चों। देख लो बच्चों, अगर 10 आवर्स में कंप्लीट होता है 500 दे हैव टू पे, बट इट इज़ ओनली कंप्लीट इन द 7 आवर्स, यू हैव टू ओनली पे 350 बच्चों।
कंपनी का कितना फ़ायदा बच्चों 150। बिकॉज बच्चों आपने हमारा फ़ायदा किया तो हम भी तो आपका फ़ायदा करेंगे। बिकॉज यू हैव वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड बच्चों, काम आपने सिस्टमेटिक किया बच्चों, तो आपकी सैलरी को मैंने सेव किया हूँ। आपने कम टाइम में काम कर दिया बच्चों, तो कंपनी को कितना फ़ायदा बच्चों 150 का, तो कंपनी भी आपको रिवॉर्ड देगा बच्चों एज अ पार्ट ऑफ बोनस। तो दैट इज़ कॉल्ड 50% ऑफ वेजेज ऑफ टाइम सेव्ड। ओके, कितना टाइम सेव हुआ बच्चों 10 आवर्स का 7 आवर, मतलब 3 आवर्स सेव हुआ ना बच्चों। वेज रेट है 50 रुपये, तो 150 रुपये उसका 50% बच्चों कंपनी बोनस देगा। 75 रुपीज़ आपको क्या करेगा, बोनस करेगा। तो देख लो बच्चों, 150 फ़ायदा हुआ था, उसमें 75 आपको बोनस मिला, कंपनी को 75 फ़ायदा हुआ। ऐसा तो नहीं, रजिस्टर्ड भी तो बैलेंस ना बच्चों, पूरा फ़ायदा आपको होना चाहिए, कंपनी लॉस नो। कंपनी में भी कुछ फ़ायदा हो आपकी वजह से और कंपनी वजह से आपको भी फायदा होना चाहिए बच्चों, बोथ। सो अकॉर्डिंग टू हिम द बोनस इज पेड इक्वल टू द 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव। जितना आप टाइम बचाते हो उसका जितना भी सैलरी रहेगा उसका 50% आपको बोनस मिलना चाहिए। अरे बच्चों, बोनस का फार्मूला क्या होगा, बोनस इक्वल टू 50% ऑफ एस माइनस एच। क्या बच्चों एस माइनस क्या है, व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ एस माइनस एच, इट इज टाइम सेव्ड। एस इज स्टैंडर्ड टाइम और एच क्या था बच्चों, एक्चुअल आवर्स टेकन, वो दोनों बीच का डिफरेंस को बोलते हैं बोलो टाइम सेव्ड। ओके बच्चों, और क्या था, रेट था बच्चों, तो टाइम सेव्ड इंटू रेट उसका मल्टीप्लाई कर दो और उसका कितना परसेंट बच्चों 50%। ठीक है, दैट इज अ वेजेस बोनस सॉरी। तो एज पर द हाल से प्लान, व्हाट इज अ फार्मूला बोनस बच्चों, 50% इंटू एस माइनस एच इंटू आर बच्चों। एस माइनस एच स्टैंड फॉर टाइम सेव, आर स्टैंड फॉर एक्चुअल आवर रेट, आवरली रेट बच्चों, और उसका 50%। टाइम वेजेस बच्चों आपका जो नॉर्मल तो था बोनस ना बच्चों, एक्स्ट्रा वर्क के लिए, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए, और आपने जितना भी घंटे काम किया बच्चों, एक्चुअल आवर्स वर्क इंटू रेट, एक्चुअल आवर इंटू रेट, दैट इज टाइम वेजेस। सो वर्कर का टोटल अर्निंग कितना आ गया बच्चों, टाइम वेजेस प्लस बोनस। तो टाइम वेजेस क्या था बच्चों, एच इंटू आर प्लस बोनस कितना था, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉई एज पर द हालसे प्लान। तो हालसे प्लान क्या बच्चों, 50% ऑफ बोनस। ओके, तो बोनस इक्वल टू 50% इंटू एस माइनस एच इंटू आर। टाइम सैलरी कितना था बच्चों, एच इंटू आर। खाली बोनस कैलकुलेट करने वाले तो बोनस का फार्मूला अप्लाई करने का, टोटल अर्निंग चाहिए एम्प्लॉय का, तो टाइम वेजेस प्लस बोनस, तो टाइम वेजेस एच इंटू आर एंड बोनस 50% इंटू एस माइनस एच इंटू आर बच्चों। बराबर बच्चों, दिस इज योर हालसे प्लान। चलो बच्चों, सेम लाइक द हालसे प्लान बच्चों, नेक्स्ट हालसे वेयर प्रीमियम प्लान बच्चों। तो देयर इज टू इंजीनियर बच्चों, प्रोफेसर हालसे एंड देन वेयर। खाली ओनली हालसे क्या, ऑलवेज हालसे ऑलवेज बच्चों लेबर को एडवोकेट करता था, मीन्स लेबर को सपोर्ट करता बच्चों। जैसे ही वॉन्टेड टू गिव मोर वेजेस बोनस टू द लेबर, 50% था बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन जो वेयर था बच्चों थोड़ा स्ट्रिक्ट था बच्चों, वो लेबर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं, एम्प्लॉयर को ज़्यादा बेनिफिट देता था बच्चों। सो ऑन एन एवरेज बच्चों, लेबर एंड मीन्स हालसे और वेयर दोनों का एवरेज प्लान अप्लाई कर बच्चों। सो दे आर द अमेरिकन इंजीनियर्स बोथ बच्चों, हालसे एंड वेयर। अकॉर्डिंग टू डिम द बोनस इज पेड इक्वल टू 33 1/3%, 33 1/3, क्यों बच्चों 33.13% ऑफ वेजेज ऑफ टाइम सेव बच्चों। दोनों का एवरेज मिला के कितना होता है बच्चों, टाइम सेव का 33.33% वेजेस बोनस। फार्मूला वैसे ही बच्चों, बोनस इक्वल टू 33 1/3% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। टाइम वेज बच्चों एच इनटू आर, यू नो दैट टोटल अर्निंग कितना आएगा, तो टाइम वेजेस प्लस बोनस। टाइम वेज मतलब बच्चों जितना घंटे काम किया उसका तो पगार मिलेगा ना, और प्लस उसको एक्स्ट्रा बोनस। तो एच इंटू आर टाइम वेज हो गया बच्चों प्लस बोनस, 33 1/3% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट बच्चों। तो दोनों फार्मूला सेम है बच्चों, हालसे प्लान में खाली 50% था बच्चों एंड हालसे वेयर प्लान में 33 1/3% बच्चों, बाकी दोनों फार्मूला सेम बच्चों। ओके,
लेट्स मूव बच्चों, नहीं द थर्ड फार्मूला द रोवन प्रीमियम प्लान सर। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेम्स रोवन प्लान द बोनस इज गिवन प्रपोर्शनेट टू द टाइम सेव। प्रपोर्शनेट टू द टाइम सेव मीन्स कितना आप टाइम सेव किए एज पर द स्टैंडर्ड। से बच्चों आपका 10 आवर्स था स्टैंडर्ड, ओके 10 आवर्स। अरे बच्चों बॉस ने दिया था 10 आवर्स बट एक्चुअली आपने टाइम वर्क कंप्लीट किया बच्चों 8 आवर्स ना बच्चों। एग्जांपल बच्चों बॉस गिवन यू 10 आवर्स बट यू हैव कंप्लीट दिस वर्क इन 8 आवर्स। बच्चों कितना टाइम सेव है बच्चों, टाइम सेव कितना आएगा 10 घंटा बॉस ने दिया था आपने 8 घंटे में कर दिया बच्चों, तो 2 घंटे सेव हुए ना बच्चों। इट मीन्स 2 आवर्स सेव किया बच्चों लेकिन बॉस ने दिया कितना सर 10 आवर्स बच्चों। तो प्रपोर्शनेट कैसे करते हैं बच्चों, प्रपोर्शनेट प्रपोर्शनेट मतलब रेशियो। यू हैव सेव 2 आवर्स आउट ऑफ द गिवन 10 आवर्स बच्चों, तो बॉस के 10 आवर्स में बच्चों आपने 2 आवर्स सेव कर लिया बच्चों, दैट इज 2/10। अभी 2 क्या था बच्चों टाइम सेव, टाइम सेव हाउ टू गेट एस माइनस एच। वॉट इज दिस एस 10 बच्चों स्टैंडर्ड टाइम, एस माइनस एच अपॉन एच प्रपोर्शनेट। सो प्रपोर्शनेट टाइम सेव मतलब बच्चों टाइम सेव आउट ऑफ योर स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम था 10 और आपने सेव किया 2, इट मीन एवरी 10 आवर्स में बच्चों आप कितना सेव कर रहे हो 2 आवर्स, तो 2/10। तो बोनस क्या आएगा बच्चों एस माइनस एच अपॉन एस, एस माइनस एच क्या है बच्चों टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ये अपॉन क्यों कर रहे हैं बच्चों, टू गेट द प्रपोर्शनेटली रेशियो इंटू एच इंटू आर, तो ये गेट अ बोनस बच्चों। तो बोनस का फार्मूला क्या है एस माइनस एच अपॉन एस इंटू एच इंटू आर बच्चों। वेजेस बच्चों एच इंटू आर यू नो दैट ऑलरेडी, सो टोटल अर्निंग टाइम वेजेस प्लस बोनस। तो पहला क्या किया बच्चों हम लोग हाल से प्लान किया, उसमें कितना था बच्चों 50% ऑफ टाइम सेव। दूसरा बच्चों हाल से एंड वेयर प्लान 33.33% ऑफ टाइम सेव। नाउ इट इज अ रोवन प्लान, बोनस इज कॉल्ड प्रपोर्शनेट टाइम सेव प्रपोर्शनेटली, तो एस माइनस एच अपॉन एस इंटू एच इंटू आर। और टाइम वेज मालूम बच्चों एच इंटू आर दोनों को ऐड कर दो, बोनस प्लस टाइम वेजेस यू गेट अ टोटल अर्निंग बच्चों, ओके। चलो बच्चों फोर्थ है बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान बच्चों एक्चुअली बर्थ जो था वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था बच्चों, ऑफकोर्स इंजीनियर है तो मैथमेटिशियन रहेगा बच्चों। तो एज पर द बर्थ अप्लाई द ज्योमेट्रिक मीन बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन। अभी ज्योमेट्रिक मीन क्या था बच्चों, FY BCOM में आपने मैथ्स क्या रखा बच्चों, तो एवरेज फाइंड करने के लिए एक नॉर्मल एवरेज होता है, तो एक वेटेड एवरेज और एक ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों। वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज मतलब बच्चों एक्स इंटू डब्ल्यू समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन एन, तो आता था एक्स बार समेशन डब्ल्यू, ए वेटेड एवरेज था बच्चों। ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका क्या करते हैं बच्चों रूट निकालते हैं लोग। ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों कोई भी एलिमेंट्स को और उसका रूट निकालते तक बच्चो। एस क्या बच्चो स्टैंडर्ड टाइम, एच क्या था बच्चों एक्चुअल टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालेंगे बच्चों ऑन एन एवरेज और देन फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों आपका टोटल अर्निंग आ जाएगा। तो एज पर द बर्थ प्लान बच्चों टोटल अर्निंग इक्वल टू आर माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एच बच्चों। आर क्यों, आर से क्यों मल्टीप्लाई करते बच्चों हम लोग, क्योंकि रेट है। एस क्या बच्चों स्टैंडर्ड टाइम, एच क्या है एक्चुअल टाइम, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम का दोनों का मल्टीप्लाई कर उसका रूट निकालो इंटू रेट बच्चों। एक इसका फार्मूला बच्चों टोटल अर्निंग का फार्मूला बच्चों। आप लोगों में कोई माइका लाल है बच्चों जो बताएगा कि इसका बोनस कैसे आएगा बच्चों, इसमें बोनस का फार्मूला दिया नहीं बच्चों, तो क्या हम लोग बोनस निकाल सकते बच्चों, वो है सोच सकता है इसका बोनस निकालने के लिए, मैं तो सोच सकता हूँ बच्चों कैसे निकले बोनस मैं बताता हूँ। अभी इसके पहले भी किए थे हम लोग टाइम वेजेज बच्चों, हाँ सर टाइम वेज आता है बच्चों, टाइम वेज इक्वल टू था एच इन टू आर ना बच्चों, ये होता है। अभी मैंने बोला था बच्चों टोटल अर्निंग इक्वल टू टाइम वेजेस प्लस बोनस ना बच्चों, टाइम वेजेस प्लस बोनस, सो टोटल अर्निंग माइनस टाइम वेजेस इक्वल टू बोनस।
अभी देखो टोटल अर्निंग मालूम है, टाइम वेजेस मालूम है बच्चों, ये दोनों को लेस कर दो, बाकी का अमाउंट बोनस रहेगा बच्चों। तो बोनस का फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, बोनस इक्वल टू टोटल अर्निंग माइनस टाइम वेजेस। टोटल अर्निंग आर इंटू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एच, और टाइम वेजेस क्या बच्चों, एच इंटू आर। ठीक बच्चों, ऐसा तो टोटल अर्निंग में से टाइम इंटू टाइम वेजेस माइनस कर दो, यू विल गेट द बोनस। ठीक, दिस इज कॉल्ड बार्थ प्लान बच्चों। तो बार्थ प्लान में अगर बोला रहेगा बोनस फाइंड करो बच्चों, तो बोनस का फार्मूला क्या आएगा, टोटल अर्निंग माइनस टाइम वेजेस। टोटल अर्निंग का फार्मूला आर इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस इंटू एच, और टाइम वेज मालूम बच्चों एच इंटू आर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट, टेलर डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम एज पर प्रोफेसर टेलर बच्चों। टेलर ऐसा बोनस वोनस के बारे में नहीं बात करता था बच्चों, वो था ठीक है आप कितना पीस प्रोड्यूस कर रहे, नंबर यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो बच्चों, ओके ना। कंपनी जो आजकल देखते बच्चों कॉल सेंटर में टारगेट रहता बच्चों। कल का एक इंसिडेंट है बच्चों, जैसे मैं आ रहा था तो एक बच्चे पीछे से, क्या बताओ यार बॉस रोज़ सुनता हूँ मैं, क्या हुआ टारगेट मिलता है टारगेट अचीव नहीं होता है, रोज़ सुनाता है बॉस, लेकिन मैं सुनता हूँ अगले एक आंसर निकाल देता हूँ। डेट इज बच्चों टारगेट, अगर आपने बच्चों टारगेट अचीव किया, बॉस ने जो टारगेट दिया बच्चों आपने उसको अचीव किया है, तो आपका वेज रेट अलग रहेगा बच्चों। अगर बॉस के टारगेट को आपने अचीव नहीं किया तो योर वेज रेट विल बी डिफर बच्चों। द सेम थिंग टेलर डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान में अप्लाई होता है बच्चों, टेलर्स एडवोकेटिंग डिफरेंट वेज रेट एज पर द वर्क का परफॉर्मेंस। ये बच्चों और ये सही भी था बच्चों। अब बच्चों सोचो अगर दिन भर में कोई 100 पीस बना रहा है तो भी उसको वही सैलरी, और कोई 60 पीस बना रहा है बच्चों तो भी उसको वही सैलरी, और कोई 120 पीस बना रहा है बच्चों तो भी उसको वही सैलरी। किसी ने परफॉर्मेंस ज़्यादा दिया बच्चों तो ऑब्वियसली ही विल गेट अ मोर सैलरी बच्चों। BCCI भी सुने बच्चों, BCCI उसमें प्लेयर लोग को ग्रेड रहता है बच्चों, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड। जो ए ग्रेड बच्चों तो हाई परफॉर्मेंस देने वाले लोग तो उनको ए ग्रेड, अभी थोड़ा मिडल है तो बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड डी ग्रेड। ऑल दो उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, बट स्टिल द ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों सेम थिंग। तो टेलर क्या बोलता है बच्चों, अगर आपने स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्मेंस दिया, बिलो एवरेज बच्चों, बिलो स्टैंडर्ड मतलब बच्चों लेस देन एवरेज, तो आपको वेजेस में लोअर सैलरी लोअर रेट मिलेगा बच्चों। अब लोअर रेट कैसे डिसाइड होगा बच्चों, से एग्जांपल बच्चों पर आवर रेट सपोज रखा बच्चों 80 रुपीज़ है बच्चों, ओके कंपनी रखा बच्चों आपके एक घंटे की सैलरी 80 रुपीज़। ठीक बच्चों, वेजेस अगर आपने बच्चों स्टैंडर्ड से लेस परफॉर्मेंस दिया है, जो भी आपको टारगेट दिया था वो टारगेट आपने अचीव नहीं किया बच्चों, बिलो स्टैंडर्ड, तो आपके ऊपर लोअर रेट अप्लाई होगा बच्चों। लोअर रेट क्या होता है, नॉर्मल पीस रेट इंटू 80%। तो आपका नॉर्मल रेट, अब मान लो उधर पे पीस रेट दिया, पीस रेट पर यूनिट बच्चों, तो चलो मैंने इधर पर आवर लिया बच्चों, चलो पर यूनिट रेट 5 रुपीज़ था बच्चों पर यूनिट, एक यूनिट का 5 रुपये बच्चों। बिकॉज आपने जितना टारगेट था बच्चों उससे बिलो परफॉर्म किया है, तो आपको कितना मिलेगा 5 का 80% बच्चों, तो 5 का 80% कितना आएगा बच्चों, 4 रुपीज़, यानी आपको पर पीस खाली 4 रुपये मिलेगा बच्चों। आपने एबो स्टैंडर्ड परफॉर्म किया, आपने जो टारगेट रखा था उससे ज़्यादा कर दिया बच्चों, तो आपको 120%, 5 × 120%, तो 6 रुपये मिलेगा बच्चों। और आपने बॉस ने जितना बोला था उतना ही कर दिया बच्चों, एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टैंडर्ड, यू विल गेट 100%, 5 का 100% बच्चों 5 रुपीज़। ऐसा बच्चों हाँ, वट इज़ द टेलर एडवोकेटिंग दैट, टेलर एडवोकेट दैट हाउ मच द परफॉर्मेंस मेड बाय द एम्प्लॉइज, दैट यू हैव टू कंसिडर। इफ ही अंडर परफॉर्म, दैट इज़ अ लेस देन स्टैंडर्ड, इफ ही ओवर परफॉर्म मोर देन स्टैंडर्ड, इफ ही एवरेज इक्वल। अगर किसी ने अंडर परफॉर्म किया बच्चों, अंडर परफॉर्म मतलब बच्चों बिलो स्टैंडर्ड बच्चों,
टारगेट से कम अचीव किया बच्चों, तो उसको खाली उसके सैलरी का कितना मिलेगा बच्चों, 80%। उसने अगर मोर देन परफॉर्म किया बच्चों तो विल गेट अ 120%, और एग्जैक्टली इक्वल पर आया बच्चों 100%। ओके बच्चों, सो बिलो स्टैंडर्ड नॉर्मल रेट, सॉरी लोअर रेट, नॉर्मल पीस रेट इंटू 80%। एबो स्टैंडर्ड बच्चों हायर रेट अप्लाई होता है, नॉर्मल रेट का 120% बच्चों। इक्वल टू स्टैंडर्ड बच्चों नॉर्मल पीस रेट इंटू 100%। ठीक है बच्चों, अब टोटल अर्निंग कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, टोटल अर्निंग इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर यूनिट कितना यूनिट प्रोड्यूस किया बच्चों, इंटू वेज रेट। अब क्वेश्चन दिया है बच्चों अगर अंडर परफॉर्म रहेगा, बिलो स्टैंडर्ड, तो हम लोग क्या करें बच्चों नॉर्मल रेट का 80%। एबो परफॉर्म रहेगा बच्चों नॉर्मल रेट का 120%। इक्वल रहेगा बच्चों 100% वेज रेट। क्यों बच्चों, तो जो फार्मूला अप्लाई करके हम लोग वेज रेट निकाले बच्चों, और दूसरा फार्मूला था टोटल अर्निंग इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट इंटू परसेंट बच्चों। अब बच्चों नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, किसी ने 250 पीस बनाया बच्चों, पर यूनिट रेट मैंने 5 रुपया बोला था बच्चों, अगर वो बिलो स्टैंडर्ड है तो क्या करें बच्चों 80%। 250 यूनिट प्रोड्यूस किया 5 रुपीज़ बच्चों, एबो स्टैंडर्ड होता था 120%। एंड पार पार होता है इक्वल रहेगा बच्चों, तो 250 यूनिट 5 इंटू 100% बच्चों, ये टोटल अर्निंग बच्चों। तो टोटल अर्निंग का दो फार्मूले बच्चों, एक तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू वेज रेट बच्चों, ये वेज रेट कैसे मानना पड़ेगा, ये बच्चों ये वेज रेट है, नॉर्मल रेट इंटू 80% तो आएगा बिलो स्टैंडर्ड का रेट, नॉर्मल रेट इंटू 120% एबो स्टैंडर्ड, नॉर्मल पीस रेट इंटू 100% दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड बच्चों। तो वेज रेट इंटू नंबर यूनिट प्रोड्यूस, और नंबर यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट इंटू डायरेक्ट परसेंट है बच्चों। ये फार्मूला भी क्या है बच्चों, पहले हम लोग को वेज रेट फाइंड करना पड़ेगा, बाद में यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करो। इस फार्मूले से बच्चों हम लोग वेज रेट नहीं फाइंड करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, नंबर यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट इंटू डायरेक्ट परसेंटेज। कौन सा परसेंट अप्लाई करना है बच्चों, सम रीड करो, एबो स्टैंडर्ड 120%, एट पार इक्वल 100%, लेस देन द एवरेज ऑफ बिलो स्टैंडर्ड बच्चों 80%। ठीक है बच्चों, ये था क्या आपका टेलर डिफरेंशियल पीस प्लान बच्चों। ठीक, तो ओके बच्चों, अभी हम लोगों ने 5 फार्मूला किया बच्चों, अभी और भी फार्मूले हैं बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से रीड करोगे, और सारे फार्मूला बाहेड चाहिए बच्चों मेरे को, हाँ ऑल द फार्मूला यू हैव टू गेट बाहेड, ओके, नो फार्मूला नो मार्क्स बच्चों, दैट सिंपल पॉलिसी है लेबर कॉस्टिंग वाले बच्चों, और वेरी सिंपल चैप्टर बच्चों, मार्क्स ओरिएंटेड है, और टाइम कम लगेगा बच्चों इसके अंदर, लेकिन टाइम कभी कम लगेगा, फार्मूला बाहेड रहता है बच्चों, मुझे मालूम है आप लोग अब बोलोगे क्या सर हम लोग अभी 15 साल पढ़ लिए हैं, टी वाई बी कॉम में है, तो फार्मूला का प्लान हम लोग का रहता है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बाजू में इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर 5 फार्मूला के ना सर, तो एक ही याद करके आएगा, एक ही याद करके आएगा, एक ही और एक ही एक मैं याद करूँगा, ओके ना। तो अभी क्या पता कि कोरोना का और चलता रहेगा बच्चों, आपका पेपर भी ऑनलाइन रहा तो, इसलिए ये याद करेगा, ये याद करेगा, याद करे नहीं आपको पूरे याद करने पर पूरे फार्मूले, ओके बच्चों। तो आज मैं खाली 5 फार्मूला किया बच्चों, अभी और भी 3-4 फार्मूले हैं बच्चों, ओके, तो इसको आप लोग पूरा थरोली रेडी करोगे बच्चों।